सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। महान वो नहीं है जो अपनी तारीफ सुने, महान वो है जो अपनी निंदा सुन के दिखाए। निंदा सुनना सरल नहीं है, निंदा सुनने पर भी आप प्रसन्न हैं तो आप महापुरुष हैं, आप बड़े। हर हाल में खुश रहा करो। एक बात लिख लो, आपकी आलोचना वही कर सकता है, आपकी निंदा कौन करता है? बताओ, आपकी निंदा कौन करता है? आपकी निंदा वही कर सकता है, वही करता है जो आपकी बराबरी ना कर पाया, वो आपकी निंदा करेगा। जो आपसे बड़ा है वो आपकी कभी निंदा ना करेगा। जो आपसे बड़ा है वो आपकी निंदा, जो लोग आपकी निंदा कर रहे हैं समझ लो कि ये आपकी बराबरी ना कर पाए इसलिए निंदा करने में लग गए हैं। निंदा इसलिए हो रही है क्योंकि बेचारे पहले तो बराबरी करने चले थे, नहीं हो पाई तो सोचे अब निंदा ही कर ले, इसलिए निंदा कर रहे हैं। आप घबराया ना करो, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, चिल्लाने दो कुत्तों को, आप मस्ती से चलो। बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें गालियां देने वाले, 10,000 माना कि 1,000 लोग आपको अच्छा कहेंगे तो 1,000 लोगों में 900 लोग अच्छा कहेंगे तो 100 लोग आपको बुरा कहेंगे। अब आप बताओ किनकी बातें सुनना है, 900 की के या 100 की? ये दास अनिरुद्ध है, मुझे 1 करोड़ लोग अच्छा कहते हैं तो 1 लाख लोग ऐसे भी हैं जो मुझे बुरा कहते हैं, बोलो हाँ या ना? जिनका मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, जिन्हें मैं जानता नहीं हूं, वो भी मेरी निंदा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका स्वभाव है बेचारों का वही स्वभाव। कांटे का स्वभाव कैसे बदलेगा कांटा? इसलिए यदि 1 लाख लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, 1 लाख लोग आपके काम की सराहना कर रहे हैं तो 1,000 लोग आपकी निंदा करेंगे। तो आप ध्यान ना दो, आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो। लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम ही कहना है। लोगों का काम, पैदा ही हुए हैं बेचारे कहने के लिए। माता सीता को ना छोड़े कहने से हमें आपको लोग क्या छोड़ेंगे, क्यों? सही है, ये सेंटेंस याद रखो, आपकी निंदा वही करता है जो आपकी बराबरी ना कर सका। सही है ये बात, बोलो हाँ या ना? जो आपसे सफल है, कामयाब है, उसे क्या पड़ी है आप? वो अपना काम करे कि तुम्हारी निंदा करे? जो सफल व्यक्ति है वो निंदा, जो दो कौड़ी के लोग होते हैं ना, सामान्य भाषा में कहते हैं टुच्चे लोग होते हैं, दो कौड़ी के, यही लोग निंदा चुगली में समय लगाते हैं। थर्ड क्वालिटी के लोग क्यों जी? सही है, आप लोग उलझा ना करो इन लोगों से, सफाई भी देने की जरूरत नहीं है। काम ही लोगों का कहना, कहते रहो, अपना मस्ती से चलते रहो, अच्छा काम करते रहो। हाँ, गलत काम नहीं करना आपको, बस आपकी नीति और नियत सही होनी चाहिए, इसके बाद जो लोग कहें कहने दो। आप यदि नीति नियत से सही चल रहे हैं तो कामयाबी आपको मिलेगी, आप कामयाब होके रहेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। कहने दो लोगों, हमें भी लोग कहते हैं, हम तो ध्यान देते नहीं। हर गांव मोहल्ले में, हर जगह ये दास अनिरुद्ध को अच्छा कहने वाले लोग भी मिल जाएंगे और बुरा कहने वाले लोग भी मिल जाएंगे। ना हमने अच्छा कहने वालों को कुछ पैसे दिए हैं, ना बुरा कहने वालों के जेब से पैसे निकाले हैं, फिर भी समाज इसलिए अच्छा या बुरा कहता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो केवल अच्छाई देखते हैं तो वो अच्छा कहते हैं, कुछ लोग केवल बुराई देखते हैं सो बुरा कहते हैं, वो अपने अपने नजरिए से देखते हैं। लोग अपने अपने नजरिए से सबको देखते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गुरु द्रोणाचार्य ने, जाओ नगर में जितने बुरे लोग हैं पकड़ के लाओ। धर्मराज युधिष्ठिर पूरी परिक्रमा लगा के आए गांव की, एक आदमी ना लाए। गुरुजी ने कहा क्यों बुरा आदमी नहीं मिला? युधिष्ठिर जी ने कहा गुरुजी कोई बुरा था ही नहीं,
धर्मराज युधिष्ठिर को बुरा आदमी क्यों नहीं मिला? उत्तर दो, आपसे पूछ रहा हूं। धर्मराज युधिष्ठिर को गांव में कोई बुरा क्यों नहीं मिला? जोर से, क्योंकि वो खुद, क्योंकि वो खुद अच्छे थे। जो स्वयं अच्छा होगा वो बुरे लोगों को कहां देखेगा, उन्हें तो बुरे लोगों में कोई ना कोई अच्छा ही दिखाई पड़ जाए, ये तो अच्छा है। अब दुर्योधन का नंबर आया, जाओ नगर में जितने अच्छे लोग हैं पकड़ के लाओ। बेचारा खाली हाथ आ गया, उसे एक आदमी अच्छा ना मिला। क्यों ना मिला? उत्तर दो, क्योंकि वो खुद बुरा है। जो दूसरों की बुराई करता है वो इसलिए बुराई करता है क्योंकि खुद बुरा है, और लोगों की अच्छाई कहता है इसलिए कहता है क्योंकि वो खुद अच्छा है। जो अच्छा होगा उसे अच्छाई नजर आएगी, जो बुरा होगा उसे बुराई नजर आएगी। ये दास अनिरुद्ध जस का तस है। अब मुझे जो अच्छा कहते हैं वो इसलिए अच्छा कहते हैं क्योंकि आप स्वयं अच्छे हैं, और जो बुरा कहते हैं वो इसलिए बुरा कहते हैं क्योंकि आप स्वयं, जो आप हैं वही आप कहेंगे, जो खाएगा वही डकारेगा। आप खाइए प्याज तो डकार प्याज की आएगी, आप खाइए लहसुन डकार लहसुन की आएगी, आप खाइए मूली डकार मूली की आएगी। जो खाएगा वही डकारेगा। तो जो जिसके अंदर जो भरा है, अच्छाई भरी है तो वो अच्छा कहेगा, बुराई भरी है वो सिंपल है। आप लोग परेशान हो जाते हैं, उन्होंने हमें बुरा कह दिया। आप परेशान ना होइए, उसने बुरा इसलिए कहा है क्योंकि वो खुद बुरा है। उसने आपको बुरा इसलिए कहा क्योंकि वो खुद, जोर से मेरी माँ, इसलिए दुनिया की बातों का आप पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सही है? बोलो हाँ या ना। हाथी चला बाजार, आगे आप बोलो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, किस किस कुत्ते का मुंह बंद करोगे? भौंकने दो। बस आप सदा सही रास्ते पर चले। भगवान से यही प्रार्थना है, विधाता हमसे कोई अपराध ना हो, हमारी वाणी से कोई अपराध ना हो, हमारी बुद्धि से कोई अपराध ना हो, हम कोई गलत निर्णय ना लें, हमारा मनसा वाचा कर्मणा मन वाणी कर्म से हमसे कोई गलती ना हो, ये भगवान से निवेदन किया करो। आप गलत नहीं हैं तो लोग कुछ भी कहें कहने दीजिए, और आप गलत हैं तो फिर अपने कान पकड़ के सॉरी भी बोलने में पीछे ना हटा करो। यदि आप गलत हैं तो सॉरी कह देने में भी बुराई, मैंने गलती की है तो क्षमा मांग लेने में कोई बुराई नहीं है, और गलती नहीं की तो फिर कोई बात ही नहीं। गलती की है तो गलती को स्वीकार करना भी सीख लीजिए। क्यों, आप लोग गलतियां स्वीकार करना जानते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। कई बार हमसे भी कथा सुनाने में कोई बात गलत निकल जाती है, गलत हो जाता है, इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि ये दास अनिरुद्ध जो है ना, हमारी अच्छाइयां ना बताया करो हमें, हमारी कमियां हमारी बुराइयां बताया करो, ताकि हम उन्हें और सुधारें और सुधार सुधार के कोशिश करें ठीक करने। हमारी कमियां बताया करो आप लोग, जो भी मैं गलती करता हूं वो आप लोग बताया करो, क्योंकि आप ही हमारे दर्पण हो, आप जो बताएंगे वो हम सुधार पाएंगे। कई बार हम गलतियां करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम ये गलती कर रहे हैं, जब तक आप बताएंगे नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध पर आप लोग नजर रखा करो, और मैं जो भी गलतियां करूं तुरंत बता दिया करो, क्योंकि आप हमारे दर्पण हैं, आप हमारे भाई हैं, माता हो पिता हो। आप हमारी माता हो कि नहीं मैया? आप में से कितनी मैया मेरी माँ है, हाथ उठा के बताओ। माँ हो? अच्छा, यदि माँ हो तो अपने बेटे की गलती बता दिया करो, मेरी माँ जो टीवी पर सुन रही हो ना मैया, आप भी बताया करो। अच्छा, यहाँ कितनी मेरी बहनें हैं, जो मेरी बहनें बैठी हैं वो हाथ उठाएंगी? अच्छा, तो आप भी अपने भाई की गलती बता दिया करो, हमें अच्छा लगेगा। और यहाँ मेरे पिता के तुल्य कितने बुजुर्ग बैठे हैं, वो हाथ उठाएं जो मेरे पिता के तुल्य हैं, तो मैं गलती करूं तो बताना। अब मेरे दोस्त मित्र कितने बैठे हैं, वो हाथ उठाएं। यदि आप मेरे सच्चे दोस्त हो
सच्चा दोस्त वही। आप कहते हैं महाराज जी हम शराब नहीं पीते, पर हमारा दोस्त कभी कभी पिला देता है। जो दोस्त शराब पिलाए वो दोस्त नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो आपको गलत रास्ता बता रहा है। दोस्त वही है जो गलत रास्ते पर चलने वाले दोस्त को सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दे। दोस्त होता मैं कोई गलती करूं तो आप मेरे दोस्त बन के बताना, मेरे अपने बन के बताना। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मेरी कमी बताई, इसलिए क्योंकि आप मेरे शुभचिंतक हैं, है ना। मुझे अपनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है, मुझे अपनी कमियां सुनने में अच्छा लगता है ताकि मैं उसे सुधार सकूं। गलतियां सब, मैं कोई भगवान नहीं हूं, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो गलतियां ना करता हो। मैं भी गलतियां करता हूं। आप लोग बताते हैं कि देखिए ये गलत है। यहां जब गौरी गोपाल आश्रम शुरू बना था, हमें कोई आइडिया थोड़ी था कि वृद्धाश्रम कैसे चलाते हैं, कोई अनुभव थोड़ी था। अन्य क्षेत्र जब चालू हुआ तो कैसे व्यवस्थाएं करनी है कोई नहीं पता था, पर आप लोगों ने बताया कि यहाँ ये अच्छा हो सकता है, ये अच्छा हो सकता, माताओं की सेवा में ये अच्छा हो सकता। हमने सुधार किया 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 किया, सुधार हो गया। अभी भी बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है, वो आप लोग बताएंगे, सुधार होता चलेगा। कोई आदमी सर्वज्ञ थोड़ी है, पेट से सब थोड़ी ज्ञान लेके आता है। इसलिए कोई हमें बताए तो उसे अपना गुरु मान के प्रणाम करना चाहिए कि इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, है ना। ज्ञान लेना बड़ी बात है, ज्ञान देना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ। ज्ञान देने को तो कोई भी ज्ञान दे सकता है, हर आदमी। आप जितने बैठे हो ना सब ज्ञानी हो, आप भी लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। ज्ञान देना बड़ी बात नहीं है, पर आप ज्ञान ले रहे हैं और सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है ना। तो मुझे भी आप ज्ञान दिया करिए, और ये दास अनिरुद्ध आपके हर सलाह को जो उचित है वो जरूर स्वीकार करता है, कमियां हैं उसे दूर करता है, सुधार करता है। सारी जिंदगी सुधार ही करना। क्यों मैया, आप में से कितने लोग हैं जो गलती करते हैं। मैया ओ लाल साड़ी वाली मैया, मोबाइल चला रही हो क्या मेरी माँ। अच्छा व्हाट्सएप चला रही हो, अच्छा इसलिए हाथ नहीं उठा रही हो। बताओ हम सब में कितने लोग हैं जो गलतियां करते हैं। सब इस धरती पर ऐसा एक नहीं है जिससे कोई गलतियां ना होती हो। हम सब गलती के पुतले हैं। अगर गलती रुलाती है तो नया रास्ता दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती स्वीकार करता हो और गलती को सुधार करता हो। आप लोग भी अपनी गलतियां सुनना सीखिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, उसे सुधार कीजिए। जो गलती स्वीकार करेगा और सुधार करेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि गलतियां स्वीकार कर लिया, सुधार कर लिया तो आगे बढ़ गया। अब स्वीकार ही नहीं किया, सुधार ही नहीं किया, तो जो गलती 2015 में हुई थी वही 2020 में हुई, वही गलती 2022 में हो रही है। सुधार कर लेते तो तुरंत खत्म हो जाती।